किसी गांव में एक किशन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। किशन अपने घर चलाने के लिए खेती बाड़ी का काम किया करता था। क्योंकि खेती बाड़ी में किशन को ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, इसलिए वह शाम के समय मजदूरी का काम करने भी जाया करता था। किशन के परिवार में उसकी दो बेटियां और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहती थी और उनका परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। और कुछ दिनों बाद लक्ष्मी एक बार फिर से गर्भवती हो जाती है। सुनो स्वीट हार्ट, इस बार मुझे एक लड़का ही चाहिए। मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि मेरा एक लड़का हो जिसका नाम मैं खुशी से विकास रखूं। इस बार हमें लड़का ही होना चाहिए। जॉली के पिताजी, लड़का या लड़की मेरे हाथ में थोड़ी ही है। यह तो सब भगवान की मर्जी है। वो जो भी हमें देगा हम उसी में खुश रह लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो सिर्फ लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे नदी में फेंक आऊंगा, समझी तुम? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आखिर लड़कियां किसी से कम थोड़ी होती हैं। भगवान जो भी देता है सोच समझ कर देता है। बकवास बंद कर लक्ष्मी की बच्ची, मुझे केवल लड़का चाहिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर लड़की हुई तो मैं उसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। मैं क्या कोई कोल्हू का बैल हूँ जो पूरा दिन बाहर मजदूरी करके काम करूँ और धूप में खेतों में भी काम करूँ और तुम तीनों घर पर पड़े पड़े खाओ? इस हालत में मैं एक और लड़की का पेट नहीं पाल सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसके बाद मुझे एक लड़का ही दो। इतना कहकर किशन वहाँ से गुस्से से बाहर निकल जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे और पूरे 9 महीने बाद लक्ष्मी को एक खूबसूरत लड़की पैदा होती है। बाहर खड़े किशन को जब बच्चे की रोने की आवाज आती है तो वह दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास आता है। अरे वाह, मेरा बेटा हुआ है ना? यह बातें सुनकर किशन की पत्नी लक्ष्मी उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप सुनती रहती है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। मुझे माफ कर दो, इस बार भी हमें बेटी हुई है। यह सुनकर किशन बहुत गुस्सा होता है और बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाता है। प्लीज रुक जाओ, मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज उसे मेरे पास ही रहने दो। किशन बहुत गुस्से में था। वह लक्ष्मी की एक नहीं सुनता और उस बच्चे को उठाकर दूर जंगल में ले जाता है। किशन जंगल के बीचों बीच एक नदी किनारे पहुंच जाता है और उस बच्चे को अपने हाथों में उठाकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटी, मैं गरीब किसान हूँ, मैं तुम्हें पाल नहीं सकता, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। इतना कहकर किशन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। यह बच्ची बिचारी अकेले नदी किनारे जोर जोर से रो रही होती है। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी किनारे सो रहे एक राक्षस की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से उठ खड़ा होता है। कौन है, कौन रो रहा है? किसने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से उस लड़की के आगे प्रकट हो जाता है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर शिकारी के सामने आ गया। मुझे तो यह कोई नवजात बच्ची दिखाई दे रही है। मुझे छोटे बच्चों का मांस खाना बहुत पसंद है, मैं इसे अभी के अभी खा जाऊंगा। इतना कहकर राक्षस उस बच्ची को अपने हाथों में उठा लेता है। राक्षस उस बच्ची को खाने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ सिंड्रेला परी प्रकट हो जाती है। सिंड्रेला अपनी जादू की छड़ी से उस बच्चे को जादू से छीन लेती है। और पापी राक्षस, तुझे इस मासूम बच्ची को खाते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे इस बच्ची ने तो अभी अभी संसार में जन्म लिया है, इसने ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली और तू इसे खाने चल दिया। अरे सिंड्रेला परी, इसके माँ बाप तो इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं। अगर मैं इसे खा लूंगा तो इसमें बुराई क्या है? तुझे इससे क्या, इसके माँ बाप को ढूंढने के बाद मैं उन्हें सजा जरूर दूंगी, परंतु उससे पहले मैं इस बच्ची को यहाँ से सुरक्षित ले जाकर दिखाऊंगी और तुझे इस बच्ची को खाने नहीं दूंगी। सुन बड़ी, तू मेरे रास्ते से साइड हट जा, नहीं तो बेवजह तुम मारी जाएगी। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू उस बच्ची को मुझसे छीन कर दिखा। इसके बाद सिंड्रेला और राक्षस के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता है। सिंड्रेला बहुत ताकतवर थी, इसलिए वह राक्षस को बंदी बना लेती है और उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे कहाँ चली गई? कहाँ छुप गई? तूने मेरा भोजन ले लिया, आज नहीं तो कल मैं इसे ढूंढ निकालूंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ परी उस बच्ची को लेकर उसके गांव में पहुंच जाती है। परी सभी गांव वालों से उस बच्ची के बारे में पूछती है, परंतु कोई भी उसके माँ बाप का पता नहीं बता पाता। अंत में थक हार कर परी उस बच्ची को लेकर परी लोग पहुंच जाती है। अरे सिंड्रेला परी, तुम यह किसका बच्चा लेकर आई हो? इसके बाद सिंड्रेला परी रानी परी को सारी बातें बताती है और उसे इस बच्ची को परीलोक में ही पालने का परमिशन मांगती है। नहीं, तुम इस बच्ची को परीलोक में नहीं पाल सकती। तुम्हें तो पता ही है इस परीलोक का वातावरण इस इंसानी बच्चे के लिए सही नहीं है।
यहाँ आए दिन हमारी चुड़ैल और राक्षस से लड़ाई होती रहती है। अगर कभी किसी अनहोनी में इस बच्ची को कुछ हो गया तो हम सभी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है रानी परी जी, परंतु आप ही बताइए इस हालत में मैं इस बच्ची को कहाँ रखूं? तुम एक काम करो, पृथ्वी लोक पर जाकर इस बच्ची के माँ बाप का पता करो, और अगर तुम्हें फिर भी इसके माँ बाप नहीं मिलते तो तुम इसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ आना, वहाँ सभी लोग इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सिंड्रेला परी रानी परी की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उनका कहना मानकर पृथ्वी पर वापस प्रकट हो जाती है। सिंड्रेला एक बार फिर से पूरे गांव में घर घर जाकर उस बच्ची के बारे में बात करती है, परंतु उसे उसके माँ बाप नहीं मिलते। नहीं, मैं इस नन्ही सी जान को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ सकती। इसके साथ एक छोटा सा लम्हा रहकर मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं यशोदा बनकर इसकी परवरिश करूंगी और उसे दुनिया की हर खुशी दूंगी, चाहे इसके बदले मुझे परीलोक ही क्यों ना छोड़ना पड़े। इतना सोचकर सिंड्रेला परी एक आम इंसान के रूप में प्रकट हो जाती है और एक छोटी सी कुटिया में आम इंसानों की तरह जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह इस कहानी का पार्ट वन था। पार्ट टू सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही नई मजेदार हिंदी कहानी। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी हिंदी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।